बार है फुहरी आखिर तक का चाहत है आ? तो कर बियाह के लिया लाइक गोर पसार के सुत्ते बदे आई खाना देना के बनाई तोर बाप बनाई है आके चलो जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे माँ किसको बोल रही हो माँ? अरे सवेरे से भाई तक हमरे खाना दाना ना मिलल आखिर कब बनाई हम कब खाई। क्या बिटिया ये तुम्हारी सासु माँ सत्य कह रही है बेटा? अरे बाबा हम का बताई इनकर बिटिया गोल फैलाए के देखा होते चरपैया में सूतल बा मोबाइल से बतियावत बा आयो के कहो चक्कर ना कुछ कहे निखली हम ही के डाटे ली बाबा। ओहो हम पतो है और बिटिया है तो मतलब हमार कोनो कदर ना होए के चाहिए बाबा। नहीं बेटा सुन मेरी बात यहाँ पर आया बाकी अपना अब ते उतारा पंचो आखिया कढ़ा पाना ये तुम्हारी बहू है माँ इसे सम्मान दे इसे इज्जत दे माँ। मेरी बात समझ में आ रही है माँ? हाँ समझत है बाबा। धंधा के तकौल में हो लड़का के गिनौल में बटौल में जैसे तेरी बिटिया है माँ उसी तरह ये भी किसी की बेटी है माँ इसे भी उतना ही सम्मान दो माँ। सुन मेरी बात। बोला सुख शांति घरावा का हो जाए सपना अब ते उतारा पंचो अखिया कढ़ा पाना अरे बाबा आप कैसन बात करत हुआ वो हमार बेटी हो के हम जन्म दिले है आ इनके हम पराया घर से ले आए हैं। ओहो माँ तुम भी सुन और बिटिया तू भी सुन सासू जब न मानी है बात तो हके बिटिया जय हाल बूझी है वो दूसरे कधियावा कल्पना अब ते उतारा पंचो आखिया कढ़पना हे बाबा तोहार बात तो हमरे कुछ कुछ समझ में आवता लेकिन है फुहरी के समझ में आवा था। माँ तुम भी अपने बहू को बेटी समझ अब बिटिया तू भी अपनी सास को माँ समझ बेटा तब एक घर चल पाएगा। बेटा मेरी बात सुन बूझी ना पतो जब सासू जी के माई घर के ना झगड़ा हो राई न भरत के अगिया में पड़ी रोज तपना न भरत के अगिया में पड़ी
चाहबत उतारा पंचो आखिया कढ़ा पाना बहु बेटी दोनों समान होती हैं माँ। हाँ बाबा आपका बात तो सुनो है ना सही बा लेकिन यो ऐसा बर्ताव रखे तब ना बाबा। हाँ माँ ये तो सत्य कह रही हो माँ। सुन बिटिया चाहे देवरानिया हो चाहे जेठानिया छोटकी बड़की बहिनिया मैं दोनों लोगों को समझा रहा हूँ माँ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बाबा इनके समझ में आ गई तो हम रहू समझ में आ गई। जय बाबा गुरु गोरखनाथ सबका कल्याण करें बाबा। सुन मेरी बात निकला कि संतोष प्यारे लाल राम जपना निकला के संतोष प्यारे लाल राम जपना अब तो उतारा पंचो आखिया कढ़ा पाना जय बाबा गुरु गोरखनाथ।